हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सब आपको सब भाइयों को। आज आपके साथ में एक ऐसी चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझे दो तीन दिन से काफ़ी मैसेज आ रहे हैं उसके बारे में, और बहुत लोग परेशान भी होंगे क्योंकि देखो, मरता हुआ कबूतर कोई भी नहीं देख सकता, ठीक है। तो इसके लिए आपके लिए मैं लेके आया हूँ इस बारी, जब कबूतर सुस्त हो जाते हैं बिल्कुल, आपने देखा होगा खाना पीना सब छोड़ देते हैं, एक साइड में सुस्त पड़े रहते हैं, धीरे धीरे वजन घटने के बाद में इतना घट जाता है कि एक आप पॉलीथीन से उन्हें कंपेयर कर सकते हैं कि बिल्कुल पन्नी के बराबर के हो जाते हैं, बिल्कुल ना के बराबर वजन होता है, पर वो देखते ही देखते दम तोड़ देते हैं आपकी आंखों के सामने, और आप तब भी कुछ नहीं कर पाते और कर भी कह सकते हैं। तो उसी के लिए एक छोटा सा अपना नुस्खा जो मैंने खुद शेयर बनाया है, मतलब कि बनाया कह लो या मैंने यूज़ किया, किसी के कहने पर किया, किसी भाई के कहने पर, मुझे भी कहीं से चला पता, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब भी आपका आपको दिखे ऐसा कोई कबूतर आपके पास, आपके दड़बे के अंदर है, आपके लॉफ्ट के अंदर है, तो सबसे पहले तो आप उस कबूतर को अलग करिए वहाँ से, क्योंकि ये बीमारियाँ फैलने वाली होती हैं। इसे सूखा कहते हैं, सूखा कह लो, लकवा, झोला, इस टाइप की बीमारी होती है। लकवा अलग चीज़ होती है इसे तो, लेकिन ये सब बीमारियाँ जो होती हैं ये फैलने वाली होती हैं। तो इन बीमारियों में सबसे पहले तो आप दूसरों को बचाओ, इन्हें तो बचाना ही पड़ेगा, साथ में दूसरों का भी केयर करो ताकि दूसरों में बीमारी ना फैले। दूसरी बात, उस कबूतर की आप पूंछ काट दीजिए। जैसे मैंने लकवे में बताया था कि आपको पूंछ काटनी पड़ेगी, पूंछ काटने का बेनिफिट ये रहता है कि कबूतर का वेट हल्का हो जाता है, उसके ऊपर बोझ नहीं बनता क्योंकि उसके अंदर जान तो पहले ही नहीं बची। इन बीमारियों में खासकर कबूतर का लीवर डैमेज हो जाता है, जब लीवर डैमेज होगा तो कबूतर कुछ नहीं खाएगा, अगर आप कुछ खिलाएंगे भी तो वो उल्टी कर देगा, लेकिन खिलाना इतना पड़ता है कि वो बस जिंदा रहे। तो उसे खिलाने के लिए आप रात को काले चने आते हैं, काले चने, मेरे भाई कुछ भाइयों को शायद हिंदी आती नहीं है, ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ना यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, तो इसलिए मैं आराम से डीपली बताता हूँ आपको। एक चीज़ को दो बार रिपीट करेंगे, तीन बार रिपीट करेंगे तो वो भी मैं कर लूँगा। तो काले चने रात को भिगो करके आपको रखने हैं पानी के अंदर, उन चनों को अपने उसी कबूतर, वो जो आपका कबूतर बीमार है, पांच चने सुबह उसे खिलाने वाले चने पहले, तो जो पानी बचा हुआ है चनों का, 5 ml पानी में 2 चुटकी ग्लूकोज डाल करके वो पानी उन्हें पिलाएं। फिर से सुन लें, 5 चने खिलाने हैं भिगे हुए, उसके बाद 5 ml पानी लेना है अपने सिरिंज के अंदर, उसमें 2 चुटकी ग्लूकोज वो मिला लेना, मिलाने के बाद में उसे 5 ml पानी पिला देना, और जब वो पानी पिला देंगे, पानी पिलाने के बाद लीवर 52 LIV.52 की एक गोली आती है, एक टैबलेट आती है, LIV.52 कहते हैं वैसे उसे, ठीक है। तो ये दोनों गोली भी है और सिरप भी है, दोनों चीज़ें आती हैं, लेकिन आपको इसकी गोली लेके आनी है, ये मेरे ख्याल से 85 रुपये की 100 गोलियाँ आती हैं, 85 रुपीज़ की 100 टैबलेट आती हैं। तो आप अगर लूज़ भी लाना चाहते हैं तो लूज़ भी मिल जाती है मेडिकल स्टोर से, 10 रुपये की, 20 रुपये की भी ले सकते हैं, अगर आप पूरा डब्बा नहीं खरीदना चाहते तो। पहले कबूतर को आपने आधी गोली देनी है 2 दिन तक, उसके बाद उस गोली को एक गोली में कन्वर्ट कर देना है, मतलब कि आपने पहले चने खिलाए, पानी दिया ग्लूकोज का, और चने का जो पानी था उसमें ग्लूकोज डाल के वो दिया, उसके बाद आधी गोली LIV.52 की उसे दे देनी है आपने। इसी तरीके से आपको शाम को भी देनी है, और कोशिश करें चनों के साथ साथ जब आपको लगे कि हल्का हल्का ठीक हो रहा है तो बासी रोटी, तो मैंने आपको बता ही रखी है, देखो रामबाण इलाज है बासी रोटी। बासी रोटी रात की रखी हुई हो, एक दिन पहले की हो, चलेगी, सुबह उसे निकाल करके, बस वो कड़क ना हो, मुलायम हो, उसे आप सिकवा के तवे के ऊपर 1 चम्मच देसी घी के अंदर वो कबूतरों को खिलाएं, सबसे बढ़िया प्रोटीन डाइट है, इससे बढ़िया डाइट कोई नहीं है कबूतर के। एक नुस्खा और आपको बता रहा हूँ इस सोखे के लिए, जो बंदा इतना लंबा नुस्खा ना कर पाए, मैंने कहीं से सुना, देखो मैंने अभी तक टेस्ट करके नहीं देखा, जो ग्लूकोज चढ़ता है बॉडी के अंदर उससे भी मुझे बताया गया है कि कबूतर बच सकता, पॉसिबिलिटी है पूरी पूरी। तो 5 ml वो वाला ग्लूकोज जो पिलाने वाला होता है, लिक्विड होता है, पाउडर वाला नहीं लेना, लिक्विड ग्लूकोज को 5 ml सुबह 5 ml शाम को आप पिलाएं, साथ में LIV.52 की गोली दें, जिससे उसका हाजमा ठीक हो जाएगा और कबूतर जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं। देखो बाकी और बात रही, कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं, मैं से पूछते हैं कि हाँ कबूतर बच जाएगा या नहीं बचेगा,
फ्रेंड्स, मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो मैंने खुद अपने कबूतरों पे करे हुए हैं और उन्हें बचा रखा है, काफ़ी बचाया। जो नहीं बच पाए तो उसमें देखिए, ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं। जिसकी मौत आई है वो तो आई ही है, लेकिन हम एक कोशिश कर सकते हैं कि हमारे कबूतर ज़िंदा रहें, अच्छे रहें, फल फूलते रहें, खुश रहें, ताकि दुआ दें, हमें बददुआ ना दें। ठीक है सर, तो वीडियो देखिए, ट्राई करके देखिए अपने कबूतरों पर, उसका असरदार लगता है तो लाइक कीजिए, बेकार लगता है तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए इसे। ठीक है, और शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट वगैरह प्लीज़ करते रहिए। इसी तरीके से आप सब भाई लोगों का प्यार मिलता रहे, तो मैं लगातार वीडियो डालता रहूँगा आपके इसी चैनल पे अपने। और देखिए, अब जल्दी आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा। मैं आज संडे है, हर मंडे को आपको मेरी एक नई वीडियो अपलोड मिलेगी, कोशिश ये रहेगी मेरी। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।